परिचय। आपके दोस्त जब मिलने आते हैं तो दरवाजे की घंटी बजाते हैं। घंटी बजने की आवाज से आप समझ जाते हैं कि दरवाजे पर कोई आया है। विद्युत घंटी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आवाज पैदा होती है। आइए इस मॉड्यूल में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बता सकेंगे। विद्युत चुंबक के बारे में बता सकेंगे। विद्युत घंटी का काम करने का तरीका समझा सकेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा जब तार से प्रवाहित होती है तो वह चुंबक बन जाता है। यह समझने के लिए आइए एक साधारण प्रयोग करें। तांबे का एक महीन इंसुलेटेड तार लेकर उत्तर दक्षिण दिशा में बांध दें। अब एक कंपास की सुई जो छोटी चुंबक होती है उसे तार के नीचे रख दें। तार के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ दें। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तब चुंबकीय सुई तार के समानांतर रहती है और उत्तर दक्षिण दिशा बताती है। तार से विद्युत धारा प्रवाहित होते ही सुई अपनी उत्तर दक्षिण दिशा से भटक जाती है। विद्युत धारा बंद करते ही सुई वापस अपनी स्थिति पर आ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय प्रभाव पैदा करती है। विद्युतीय चुंबक के प्रयोग। आइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दिखाने के लिए एक साधारण प्रयोग करें। लचीले इंसुलेटेड यानी प्लास्टिक या कपड़ा चढ़ा हुआ तार का लंबा सा टुकड़ा लेकर लोहे की कील पर लपेट दें। इस तरह विद्युतीय चुंबक तैयार हो गया। तार के सिरों को स्विच के जरिए एक सेल के सिरों पर जोड़ दें। अब कील के सिरे के करीब एक पिन रखें और विद्युत धारा चालू कर दें। हमने देखा कि पिन कील के सिरे पर चिपक गई। धारा बंद करते ही पिन कील की तरफ आकर्षित होना बंद कर देती है। इस प्रयोग में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कॉइल चुंबक बन जाती है। विद्युत धारा बंद होते ही कॉइल की चुंबकीय शक्ति आमतौर पर खत्म हो जाती है। ऐसी कॉइल को विद्युतीय चुंबक कहते हैं। विद्युतीय चुंबक के उपयोग। आपने कबाड़ घरों में क्रेन को लोहे का भारी भारी कबाड़ उठाते देखा होगा। ये क्रेन लोहे के कबाड़, गर्डर, प्लेट आदि के बड़े बड़े टुकड़े उठाने और ले जाने के लिए विद्युतीय चुंबकों का उपयोग करती है। इन्हें कबाड़ से चुंबकीय सामग्री अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य चुंबक की तुलना में विद्युतीय चुंबक का मुख्य लाभ ये है कि इन्हें आसानी से चालू और बंद किया जा सकता है और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति को भी प्रभावकारी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। विद्युतीय चुंबक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI के लिए भी इस्तेमाल होती है, जिससे शरीर के भीतर की विस्तृत तस्वीर दिखाई देती है और बहुत से रोगों का निदान हो सकता है। विद्युत घंटी, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर जैसे विद्युत उपकरणों में भी विद्युतीय चुंबक का इस्तेमाल होता है। विद्युत घंटी। आइए देखें कि विद्युत घंटी कैसे काम करती है। ये विद्युतीय चुंबक से चलती है। बिजली की घंटी में लोहे के टुकड़े पर लिपटे तार की कॉइल होती है। यह कॉइल विद्युतीय चुंबक का काम करती है। एक सिरे पर हथौड़े में लगी लोहे की पत्ती इस विद्युतीय चुंबक के निकट लगाई जाती है। लोहे की पत्ती के निकट छूने वाला एक पेंच होता है। लोहे की पत्ती जब पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत धारा
कॉइल में प्रवाहित होने से वह विद्युतीय चुंबक बन जाती है। यह चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी तरफ खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे पर लगा हथौड़ा घंटी की टोपी पर वार करता है और आवाज आने लगती है। विद्युत चुंबक की शक्ति का समायोजन। इस गतिविधि के जरिए आप विद्युत चुंबकीय शक्ति को जान सकते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विद्युत धारा अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। लोहे के एक टुकड़े पर इंसुलेटेड तार लपेटकर बनाई गई विद्युत धारा ले जाने वाली कॉइल को विद्युतीय चुंबक कहते हैं। विद्युत घंटी विद्युतीय चुंबक के सिद्धांत से चलती है।